Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we are going to discuss past simple and past continuous tenses. In the previous sessions we have already discussed simple past tense and past continuous tenses. In this session we'll see where do we use simple past tense and where do we use past continuous tense. Okay, so let's begin with the first exercise. Now, format of past continuous tenses I was doing and the simple past tenses I did. We take an incident over here. Anant was reading a book. The phone rang. He stopped reading. He answered the phone. Now just try to understand what happened. The phone rang. Okay, phone baja. Okay, us waqt a phone baja, that means the phone rang, that is actually simple past tense. ओके उस वक्त अनंत क्या कर रहा था. वॉट वॉज अनंत डूइंग एट दैट टाइम. अनंत वॉज रीडिंग अ बुक. अनंत वॉज रीडिंग अ बुक, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके देन वॉट डिड ही डू व्हेन द फोन रैंक. उसने क्या किया जब फोन बजा. ही स्टॉप्ड रीडिंग एंड ही आंसर्ड द फोन. ओके ही स्टॉप्ड रीडिंग, ही आंसर्ड द फोन in that is in simple past tense. Okay, so Anant was reading a book, that is past continuous tense. The phone rang, simple past tense. He stopped reading, simple past tense, and he answered the phone, simple past tense. Okay, अब इस पूरी घटना को हम starting से देखते हैं. वो हम suppose अब हम बात करें सुबह 8 बजे की. ठीक है, 8 से 10 तक के बीच की हम बात करें, morning 8 to 10. ओके सो सुबह में क्या हुआ. ही बिगेन रीडिंग. ओके सुबह 8 बजे उसने पढ़ना चालू किया. सो ही बिगेन रीडिंग. उसके बाद 8:30 पर हम बात करते हैं, द फोन रैंग. ओके 8 बजे उसने पढ़ना चालू किया, 8:30 बजे फोन बजा. देन व्हाट डिड ही डू, ही स्टॉप्ड रीडिंग. उसने पढ़ना बंद कर दिया, रोक दिया. ओके एंड ही आंसर्ड द फोन. तो 8 से 8:30 तक वो पूरे टाइम वो पढ़ रहा था. ओके सो 8 से 8:30 तक उसका जो एक्शन था पढ़ने वाला वो कंटिन्यू था. ओके सो अनंत वाज रीडिंग अ बुक. जैसे ही फोन बजा, दैट इज अ मोमेंटरीली एक्शन. उस पर्टिकुलर एक ऑल ऑफ अ सडन वो हुआ. ठीक है ना, एकदम से फोन बजा. फोन बजना मतलब कोई लॉन्ग ड्यूरेशन का काम नहीं है कि 2 घंटे तक फोन बज रहा था या 4 घंटे तक. इसलिए इट्स एन कंप्लीटेड एक्शन, हुआ बस इमिडिएटली हो गया. ओके फोन बजा, उसने एकदम से पढ़ना बंद कर दिया और उसने फोन को आंसर किया. ओके सो 8 से 8:30 तक की ड्यूरेशन में ही वॉज रीडिंग. तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कहां पर हम कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं और कहां पर हम सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है, आप हिंदी में कैसे बोलेंगे इस पूरी चीज को. अनंत एक किताब पढ़ रहा था, तभी फोन बजा. उसने पढ़ाई और उसने किताब पढ़ना रोका और उसने फोन को आंसर किया. ओके फोन पे बात की. ठीक है, तो हिंदी में जिस तरह से हम बात करें सेम तरीके से इंग्लिश में भी हो रहा है. आप देखिए, अनंत वॉज रीडिंग अ बुक. अनंत किताब पढ़ रहा था, द फोन रैंग, फोन बजा, उसने पढ़ना रोका और उसने फोन को आंसर किया. ओके अब यहां पर देखते हैं, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे मॉर्निंग. कल सुबह में तुमने क्या किया. दूसरा बंदा आंसर कर रहा है, वी प्लेड टेनिस. 10 से 11:30 तक उन लोगों ने टेनिस खेला था. ठीक है, शुरू कब हुआ, 10 बजे, खत्म कब हुआ, 11:30 बजे. सो 10 से 11:30 के बीच में ये जो एक्शन है टेनिस खेलने वाला वो कंटिन्यूड था. ओके 11:30 बजे वो खत्म हो गया. यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया. ओके सो दे वर प्लेइंग टेनिस बिटवीन फ्रॉम 10 to 11:30, ऐसा हम कह सकते हैं. ओके सो they started playing at 10, they finished at 11:30. So suppose if I talk about 10:30, तो 10:30 के लिए हम क्या बोलेंगे, at 10:30 they were playing tennis. Okay, because 10:30 बजे उनका जो खेल है, जो टेनिस का खेल है, वो कंटिन्यूड था. ओके नाउ जया रेड अ बुक यस्टरडे. जया ने कल एक किताब पढ़ी. ओके तो उसने किताब पढ़ी पूरी, मतलब खत्म कर दी, पूरा स्टार्ट किया और खत्म किया. ओके Did you watch the film on the television last night? कल रात को तुमने टीवी पे कोई फिल्म देखी? It didn't rain while we were on holiday. बारिश नहीं हुई थी जब हम छुट्टी पर थे, तब बारिश नहीं हुई. अभी हमने यहाँ पर देखा सब सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में. ठीक है, अब हम पास्ट कंटिन्यूस में इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं. अभी इसी इंसिडेंट को हम लेते हैं, वी प्लेड टेनिस फ्रॉम 10 to 11:30. तो 10:30 बजे क्या होता है, व्हाट वर यू डूइंग एट 10:30, वी वर प्लेइंग टेनिस, बिकॉज उस वक्त टेनिस का जो खेल है वो कंटिन्यूड था.
ओके, क्योंकि वो शुरू कब हुआ, 10 बजे, खत्म कब हुआ, 11:30 बजे, मतलब 10:30 बजे खेल कंटिन्यूड था. ओके, सो अनफिनिश्ड एक्शन है, काम चल रहा है, हो रहा है, इसलिए हमने कंटिन्यूस टेंस यूज किया. ओके, नाउ जया रेड अ बुक यस्टरडे, और यहां पर हम देख रहे हैं जया वॉज रीडिंग अ बुक वेन द फोन रैंग. जब फोन बजा तो जया उस वक्त किताब पढ़ रही थी, मतलब उसका अनफिनिश्ड एक्शन था, किताब खत्म नहीं हो गई थी उसकी, किताब वो पढ़ रही थी जब फोन बजा. ओके, वर यू वॉचिंग टेलीविजन वेन आई फोन यू, जब मैंने फोन किया तब तुम टीवी देख रहे थे क्या. तो मतलब उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, सपोज जो भी आप ड्यूरेशन थी, मैं भी 10 से 11 और फोन आपके पास आया मैं भी 11:15, तो सामने वाला पूछ रहा है कि भाई 11:15 अभी बजी है, तुम इस वक्त टीवी देख रहे थे क्या. तो आपका टीवी देखने का जो एक्शन है वो कंटिन्यूड था, अनफिनिश था. ओके, इट वॉजेंट रेनिंग वेन आई गॉट अप, जब मैं उठा तो बारिश नहीं हो रही थी. ओके, तो जो है वो अनफिनिश्ड एक्शन है, मतलब ये हो ही नहीं रहा था इनफैक्ट, पर अगर होती तो एक अनफिनिश्ड एक्शन होता. ओके, सो बारिश नहीं हो रही थी जब मैं उठा. और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, आई स्टार्टेड वर्क एट 9:00 एंड फिनिश्ड एट 4:30, मतलब 9 बजे उसने शुरू किया, बिगिनिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम इज 4:30, तो बीच की कोई भी ड्यूरेशन में उसका जो काम है, बीच के कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में उसका काम होगा वो कंटिन्यूड होगा, दैट इज अनफिनिश्ड. ओके, तो हम अगर 2:30 बजे की बात करते हैं, क्योंकि काम शुरू हुआ 9 बजे, खत्म हुआ 4:30 बजे, इसका मतलब 2:30 बजे वो काम चल रहा था. ओके, सो मैंने 9 बजे काम शुरू किया, 4:30 बजे खत्म किया, इसका मतलब 2:30 बजे आई वॉज वर्किंग. इट वॉज रेनिंग वेन वी वेंट आउट. ओके, जब हम घर से बाहर निकले उसके पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, और जब हम घर से बाहर निकले उसके उस तक भी बारिश आ रही थी, इसका मतलब बारिश कंटिन्यू थी, एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ. ओके, सो बारिश जो है वो हो रही थी, दैट्स व्हाई इट वाज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए तब बारिश हो रही थी. आई सॉ रवि एंड कवि दिस मॉर्निंग, दे वर वेटिंग एट द बस स्टॉप. ओके, मैंने रवि और कवि को आज सुबह देखा, जब मैंने देखा उसके पहले से ही वो बस स्टॉप पे थे, और जब मैंने देखा उसके बाद तक भी वो बस स्टॉप पे थे, इसका मतलब क्या था, क्या हुआ कि वो बस स्टॉप पे ही थे. तो बस स्टॉप पे उनका होना इज अ कंटिन्यूड एक्शन, एन अनफिनिश्ड एक्शन. ठीक है, तो दे वर वेटिंग एट द बस स्टॉप, जब मैंने उन दोनों को देखा वो बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे थे. ओके, आयशा फेल अस्लिप व्हेन व्हाइल शी वॉज रीडिंग, जब उस जब वो पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई, तो जब वो सोई उस वक्त उसका जो पढ़ने वाला एक्शन था वो कंटिन्यू था, अनफिनिश था, उसने अपना पढ़ना फिनिश नहीं किया था. ठीक है, तो जब भी अनफिनिश्ड एक्शन होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस आप यूज करोगे, और फिनिश्ड एक्शन है हो चुका है तो आप जो है वो सिंपल पास्ट यूज करोगे. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई दिस एक्सरसाइज. Put the verbs in the correct form, past continuous or past simple. Karuna, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको verbs दी हुई है, उनकी करेक्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, मे बी सिंपल पास्ट, मे बी पास्ट कंटिन्यूस. सो Karuna broke her arm last week. Karuna का हाथ जो है वो last week उसको fracture हो गया, कहने का मतलब टूट गया. Okay? It happened when she was painting her room. She fell off the ladder. ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ. ये कब हुआ, हुआ मतलब अनफिनिश्ड एक्शन हो गया, और शी वॉज पेंटिंग बिकॉज उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब ये हुआ था वो पेंटिंग कर रही थी, और जब वो हुआ तो जब वो पेंटिंग कर रही थी उसके करते करते वो जो सीढ़ी है उससे नीचे गिर गई. ओके, तो हिंदी में भी आप ऐसे बोलेंगे, इट हैपन, ये हुआ जबकि वो, ये कब हुआ, जबकि वो पेंटिंग कर रही थी और वो सीढ़ी से नीचे गिर गई. ठीक है, सो दैट्स वेरी सिंपल. The train arrived at the station and Aruna got off. Two friends of hers, Jaya and Riya, were waiting to meet her. Okay, again simple. जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, अरुणा नीचे उतरी, उसके दो दोस्त जया और रिया उसका इंतजार कर रहे थे उसको मिलने के लिए. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. आप ये जो है डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पर हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे, कहां पर हम पास्ट कंटिन्यूस. ओके, Yesterday, Sonam was walking along the road when she met Amar. He was going to the station to catch a train and he was carrying a bag. They stopped to talk for a few minutes. ठीक है, आप ये जो
ये सेंटेंसेस दिए हुए यहाँ पे, उनको आप 3 से 4 बार सेशन को पॉज करके रीड करिए और ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो ले आगे वाला एक्सरसाइज, यहाँ पर पुट द वर्ब इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। ओके, पहला एग्जांपल करके दिया है, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द फोन रैंग? आई वाज वाचिंग टेलीविजन। ओके, जब फोन बजा तो तुम क्या कर रहे थे? तो दूसरे ने आंसर किया कि मैं टीवी देख रहा था, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कंप्लीटेड एक्शन और इनकम्प्लीटेड एक्शन, दैट मीन्स अनफिनिश्ड एक्शन। ओके, वॉज जया बिजी वेन यू वेंट टू सी हर? जया बिजी दिखे जब तुम उसको मिलने गए? येस शी वॉज स्टडिंग, ठीक है। तो कंटिन्यूड एक्शन है, अनफिनिश्ड एक्शन, वो पढ़ रही थी। वॉट टाइम डिड द पोस्ट अराइव दिस मॉर्निंग? क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हम डिड यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सो वॉट टाइम डिड द पोस्ट अराइव दिस मॉर्निंग, ठीक है। कोई भी चिट्ठी आना, ये अपने आप में एक कंप्लीटेड एक्शन है, वो कोई बहुत लंबी ड्यूरेशन का काम नहीं है कि चिट्ठी मतलब आने में कोई आपको 2-3 घंटा लग रहा है, कोई ड्यूरेशन लग रही है, ऐसा नहीं है। आपके दरवाजे पर पोस्टमैन आया, उसने आपको चिट्ठी दी, ठीक है। सो दैट्स बहुत छोटा और इटसेल्फ कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है। सो व्हाट टाइम डिड द पोस्ट अराइव दिस मॉर्निंग? इट केम व्हाइल आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। ओके, पोस्ट जब आई तब मैं उस वक्त नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करना मतलब एक ड्यूरेशन का काम है, 10 मिनट्स 15 मिनट्स। तो नाश्ता जो है वो खत्म नहीं हुआ था, तो ये अनफिनिश्ड एक्शन है, नाश्ता करने वाला, नाश्ता चालू था। सो इसको दोबारा रीड करिए, व्हाट टाइम डिड द पोस्ट अराइव दिस मॉर्निंग? इट केम व्हाइल आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। ओके, वॉज ममता एट वर्क टूडे? नो शी डिंट गो टू वर्क, शी वॉज इल, मतलब वो गई नहीं है काम पर। तो वो इट सेल्फ एक कंप्लीटेड एक्शन है, उसका नहीं जाना, ठीक है। सो नो शी डिंट गो टू वर्क, शी वॉज इल। ओके, हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग वेन द पुलिस स्टॉप्ड यू? जब पुलिस ने तुम्हें रोका, रोकना मीन्स फिनिश्ड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, लेकिन उस वक्त आप ड्राइव कर रहे थे, आपका जो ड्राइविंग है वो खत्म नहीं हुआ था, तो वो एक इनकम्प्लीट एक्शन है, अनफिनिश्ड एक्शन है। सो हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग व्हेन द पुलिस स्टॉप्ड यू? बी आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई वॉज नॉट ड्राइविंग वेरी फास्ट, मुझे नहीं ध्यान है एग्जैक्टली, लेकिन मैं बहुत तेज नहीं चला रहा था, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस से अपने आप से बनना लगेगा। ओके, योर टीम विन द फुटबॉल मैच यस्टरडे, एक क्वेश्चन है, तो डिड से शुरू करेंगे। सो डिड योर टीम विन द फुटबॉल मैच यस्टरडे? कल तुम्हारी जो टीम है वो फुटबॉल मैच जीती क्या? तो बी कह रहा है नो द वेदर वॉज वेरी बैड सो वी डिंट प्ले, क्योंकि मौसम बहुत खराब था इसलिए हम लोग खेले ही नहीं, ठीक है। हाउ डिड यू ब्रेक द विंडो? वी वर प्लेइंग फुटबॉल, आई किक द बॉल एंड इट हिट द विंडो। हिट की जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है वो हिट ही होती है, तो हिटेड या ऐसा और कुछ नहीं यूज करना, इट्स हिट हिट एंड हिट ओनली। ओके, सो हाउ डिड यू ब्रेक द विंडो? तुमने खिड़की कैसे तोड़ी? वी वर प्लेइंग फुटबॉल, आई किक द बॉल एंड इट हिट द विंडो। हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मैंने बॉल को किक किया और उसने वो बॉल जाके खिड़की पे लगी। ओके, नेक्स्ट इज यू सी अनु लास्ट नाइट, क्वेश्चन है। सो डिड यू सी अनु लास्ट नाइट? येस शी वॉज वेयरिंग अ वेरी नाइस जैकेट। ओके, मैंने उसको देखा है, देखा था रात को, और जब वो देखा था मैंने उसको, तो उस देखना मतलब वो देखना इज एन इंस्टेंट एक्शन, लेकिन वो जो पार्टी में जिसकी हम बात करें, आप जो भी जगह की बात करें, उस वक्त जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के वहां के लिए वहां पर थे, तब उसने बहुत अच्छा सा जैकेट पहना हुआ था। सो येस शी वॉज वेयरिंग अ वेरी नाइस जैकेट। ओके, अभी 2 बजे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 2 बजे मतलब एक ड्यूरेशन आ जाती है, कुछ पहले शुरू हुआ होगा, कुछ बाद में खत्म हो रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट वर यू डूइंग एट 2 o'clock दिस मॉर्निंग? ऐसा हो रहा, कोई भी काम एकदम 2 o'clock पर होता है और खत्म हो जाता है, उसके पहले कुछ शुरू होगा, उसके कुछ बाद में खत्म हुआ होगा, ठीक है। तो व्हाट वर यू डूइंग एट 2 o'clock दिस मॉर्निंग, सुबह में 2 बजे तुम क्या कर रहे थे? तो दूसरा बोल रहा है आई वॉज अस्लिप, मैं सोया हुआ था। ओके, इसी तरह से आई लॉस्ट माई की लास्ट नाइट, मैंने कल रात को अपनी चाबी खो दी, मतलब वो एक फिनिश्ड एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन है। हाउ डिड यू गेट इन टू योर रूम? तुम अपने रूम में कैसे घुसे? आई क्लाइम इन थ्रू अ विंडो, ठीक है, मैं
द खिड़की के जरिए अंदर घुसा। ओके, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक बार आप सेशन को पॉज करके सारे सेंटेंसेस दोबारा रीड करिए, इससे आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों स्किल्स इंप्रूव होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस देखा, अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। बहुत बार इन दोनों के बीच में भी कन्फ्यूजन होता है, गलतियाँ होती है, और इसलिए दोनों का यूज़ हमें ठीक से समझना ज़रूरी है। इट्स नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज आई हैव डन फॉर्म इट, एंड पास्ट सिंपल दैट इज आई डिड फॉर्म इट। ओके, नाउ वेयर डू वी यूज सिंपल पास्ट टेंस विद अ फिनिश्ड टाइम, सपोज यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, वी यूज द पास्ट टेंस। ओके, पास्ट सिंपल टेंस, सो पास्ट सिंपल इज बेसिकली विद फिनिश्ड टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी अराइव्ड यस्टरडे, वी अराइव्ड लास्ट वीक, जहां पर भी आपको कंप्लीशन का फीलिंग आ रहा हो या गए हुए वक्त की फीलिंग आ रही हो, वहां पर आप सिंपल पास्ट यूज करोगे। We arrived at 3 o'clock. We arrived in 1991. We arrived 6 months ago. ऐसे किसी भी केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करोगे, जैसे वी हैव अराइव्ड यस्टरडे, ये गलत होगा, या वी हैव अराइव्ड लास्ट वीक, ये सब कुछ गलत है। वी हैव अराइव्ड एट 3 o'clock, दैट्स रॉन्ग। ओके, तो जब भी आपको फिनिश्ड टाइम के साथ में यूज करना है तो सिंपल पास्ट टेंस आप यूज करोगे। ओके, डू नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट have arrived, have done, have been, etc. with a finished time. Okay, we can take some examples. I saw Pavan yesterday. Okay, not I have seen. Okay, कल की बात हो रही है, गए हुए वक्त की बात हो रही है, finished time की बात हो रही है, तो हम लोग क्या use करेंगे? Simple past. Okay, where were you on Sunday afternoon? Not where have you been. ओके, वेर वर यू ऑन संडे आफ्टरनून, दैट इज सिंपल पास्ट। वेर हैव यू बीन इज प्रेजेंट परफेक्ट। वी डिडंट हैव अ हॉलीडे लास्ट ईयर, दैट इज सिंपल पास्ट, नॉट वी हैवंट हैड। ओके, दैट्स रॉन्ग। व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट, दैट इज सिंपल पास्ट, आई स्टेड एट होम। ओके, सिंपल पास्ट, एंटायर सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट। विलियम शेक्सपियर लिव्ड फ्रॉम 1564 टू 1616, he was a writer, he wrote many plays and poems. Okay, all the sentences are in simple past tense. Okay, apart from that we use the past simple to ask, koi bhi question hame puchna hai to hum uske liye past simple use karenge. When did they arrive, when did you eat, when did you go to school. ओके, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज करेंगे, व्हेन हैव दे अराइव्ड, दिस इज रॉन्ग। और देखते हैं, आई हैव सम एग्जांपल्स ओवर हियर, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के दोनों को साथ साथ लेकर के हम चल रहे हैं, तो आप डिफरेंस अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, आई हैव लॉस्ट माय की, आई हैव लॉस्ट माय की मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी चाबी खो दी है, और ये एक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं है, मतलब आपको अभी तक भी चाबी मिली नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि इसी के साथ आप ये देखिए, आई लॉस्ट माई की लास्ट वीक, ठीक है, कि मैंने अपनी चाबी पिछले हफ्ते खो दी थी। ठीक है, अभी अभी मिली है कि नहीं मिली, दैट इज अ डिफरेंट केस, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने अपनी चाबी खो दी थी। ओके, अरुण हैज गॉन होम, ही इजंट हियर नाउ, अरुण हैज गॉन, इसका मतलब क्या हुआ, अरुण अभी चला गया है, वो अभी यहां पर नहीं है। ठीक है, अभी आप इसके साथ में ये देखिए, अरुण वेंट होम 10 मिनट्स अगो, अरुण अभी 10 मिनट पहले चला गया। ठीक है, हैव यू सीन अनु, वेर इज शी नाउ, वे हैव यू सीन अनु, मतलब आपने अनु को देखा है क्या, इसका मतलब अभी वो कहाँ है आपको पता नहीं है। और इसके साथ में ये देखिए, डिड यू सी अनु ऑन सैटरडे, सैटरडे को आपने अनु को देखा था क्या। ठीक है, तो आप आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं, इजिली आप कंपेरिजन कर सकते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, हैव यू एवर बीन टू स्पेन, ठीक है, अभी तक की अपनी जिंदगी में तुम क्या कभी स्पेन गए हो। ओके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहां देखते हैं, डिड यू गो टू स्पेन लास्ट ईयर, पिछले साल तुम स्पेन गए थे क्या, जिंदगी की बात नहीं हो रही, पिछले साल की बात हो रही है। ठीक है, माई फ्रेंड इज अ राइटर, ही हैज रिटन मैनी बुक्स। ओके, मेरा दोस्त एक अच्छा राइटर है, लेखक है, उसने काफी किताबें लिखी, उसने भी किताबें लिखना बंद नहीं किया है,
राइट, अभी भी वो लिखता है, दैट मीन्स ही हैज रिटन मैनी बुक्स. द लेटर हैजंट अराइव्ड येट, अभी तक भी चिट्ठी नहीं आई है. ओके, इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए, द लेटर डिंट अराइव यस्टरडे, कल जो कल तक की हम बात कर रहे हैं, यस्टरडे की, कल लेटर नहीं आया था. अभी तक भी नहीं आया है, पर कल तो नहीं आया था. ओके, वी हैव लिव्ड इन सिंगापुर फॉर 6 ईयर, हम सिंगापुर में 6 साल रहे हैं. यहाँ पर ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है कि हम अभी भी वहीं रहते हैं. ओके, वी लिव हियर, वी लिव देयर नाउ, अभी भी हम सिंगापुर में ही हैं. लेकिन यहाँ पर आप पढ़िए, वी लिव्ड इन मुंबई फॉर 6 ईयर्स, राइट. वी लिव्ड इन मुंबई फॉर 6 ईयर मतलब क्या, हम 6 साल मुंबई में रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अभी भी हम मुंबई में हैं, ठीक है. बट नाउ वी लिव इन जयपुर. तो दोनों में यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, मतलब ये कि एक्शन इनकम्प्लीट है, अभी भी वही काम चालू है जो शुरू हुआ था. पास्ट सिंपल मीन्स एक्शन इज कम्प्लीटेड, जो भी आपका काम था, वर्क था, वो खत्म हो चुका है, फिनिश्ड एक्शन. ओके ओके, लेट्स सी दिस एक्सरसाइज. यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स टू आंसर द क्वेश्चंस. हैव यू सीन अनु, क्या तुमने अनु को देखा है. अब ये क्लू दिया हुआ है 5 मिनट्स अगो. अब जैसे ही अगो आ जाता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पास्ट की फीलिंग आती है, तो आप क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे, हैव यू सीन अनु, क्या तुमने अनु को देखा है. येस आई सॉ हर 5 मिनट्स अगो, ठीक है, पास्ट टेंस आएगा. येस आई सॉ हर 5 मिनट्स अगो, ठीक है. आई हैव सीन हर 5 मिनट्स अगो इज रॉन्ग, आई सॉ हर 5 मिनट्स अगो इज करेक्ट. ओके, हैव यू स्टार्टेड योर न्यू जॉब, क्या तुमने अपना नया जो काम है, नौकरी है, वो शुरू कर दी है. या देखिए लास्ट वीक, अगेन लास्ट भी आपको पास्ट की फीलिंग देता है, तो आप क्या बोलेंगे, येस आई स्टार्टेड लास्ट वीक. फिर हैव योर फ्रेंड्स अराइव्ड एट 5 o'clock, इसका मतलब जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. तो क्या बोलेंगे, येस दे अराइव्ड, और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, तो येस दे अराइव्ड एट 5 o'clock, वो 5 बजे को आ गए थे. ओके, हैज सरला गॉन अवे. ओके, ये भी फ्राइडे को एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो क्या बोलेंगे हम, येस शी वेंट ऑन फ्राइडे, और शी वेंट अवे ऑन फ्राइडे. ओके, हैव यू वॉन योर न्यू शूज, अब यस्टरडे, दैट मीन्स पास्ट की फीलिंग आ रही है, तो आप आंसर क्या करेंगे, पास्ट टेंस में देंगे, हैव यू वॉन योर न्यू शूज, येस आई वोर देम यस्टरडे, हाँ मैंने कल पहन लिए थे, ठीक है. तो ये जैसे लास्ट कंप्लीटेड एक्शन की जब भी फीलिंग आती है, तो सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी राइट और रॉन्ग. आई हैव लॉस्ट माई की, आई कांट फाइंड इट, दिस इज राइट, बिकॉज आई हैव लॉस्ट, बिकॉज ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि की अभी तक मिली नहीं है, खोई भी है, दैट मीन्स अनफिनिश्ड एक्शन है, दैट मीन्स येस इट्स करेक्ट. ओके, हैव यू सीन एन यस्टरडे, क्या तुमने कल अनु को देखा है. अब यस्टरडे, दैट मीन्स यस्टरडे शोज पास्ट टेंस. ओके, पास्ट की एक फीलिंग आती है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, यस्टरडे, लास्ट, अगो, ये सब वर्ड जो है वो पास्ट की फीलिंग देते, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट आना चाहिए, ठीक है. तो हैव यू सीन एन यस्टरडे की जगह क्या आएगा, डिड यू सी एन यस्टरडे. ओके, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एट 2 o'clock, नाउ वर्क इज ऑलरेडी फिनिश्ड, 2 बजे खत्म हो गया था, तो आई हैव फिनिश्ड नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सो आई फिनिश्ड माई वर्क एट 2 o'clock. ओके, काम खत्म हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन है, इसलिए सिंपल पास्ट आएगा. आई एम रेडी नाउ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम. वॉट टाइम हैव यू फिनिश्ड योर वर्क. ओके, ये तो सेंटेंस ही पूरा गलत है कि तुमने अपना काम कम खत्म कर लिया है, इसका मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब वो अनफिनिश्ड एक्शन होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर काम खत्म हो गया है, तो ये अनफिनिश्ड एक्शन नहीं हो सकता. ओके, ये फिनिश्ड एक्शन होगा, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, सिंपल पास्ट टेंस. तो हम क्या बोलेंगे, डिड यू फिनिश, व्हाट टाइम डिड यू फिनिश योर वर्क, तुमने अपना काम कब खत्म कर लिया था, राइट. तुमने अपना काम कब खत्म कर लिया है, ये तो सेंटेंस हिंदी में भी हम लोग नहीं बोलते, तो तुमने अपना काम कब खत्म कर दिया था, दैट इज द करेक्ट वन. ओके, सुमन इजंट हियर, शी हैज गॉन आउट, नो प्रॉब्लम, करेक्ट है. तरुण्स ग्रैंडफादर हैज डाइड इन 1989,
अब दिस इज कंप्लीटेड एक्शन, वो अभी तक तो मर नहीं रहे हैं, वो 1989 में उनकी डेथ हो चुकी थी, इसका मतलब यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस आएगा, सो तरुण्स ग्रैंड मदर डाइड इन 1989, ओके. वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, अगेन लास्ट के साथ में पास्ट की फीलिंग होती है, तो वेयर वर यू लास्ट नाइट, राइट. वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट इज रॉन्ग, दैट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लास्ट के साथ हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे, तो वेयर वर यू लास्ट नाइट, ओके. अभी एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करिए सेशन को पॉज करके. माय फ्रेंड अनीता इज अ राइटर, शी हैज रिटन मेनी बुक्स. यहां पर हमको वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में लिखना है, भरना है. वी डिडंट हैव अ हॉलीडे लास्ट ईयर. आई चेस यस्टरडे आफ्टरनून. यस्टरडे जैसे ही आता है आपको क्लिक हो जाना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस आएगा, ओके. सो आई प्लेड चेस यस्टरडे आफ्टरनून, ओके. जैसे ही यस्टरडे, लास्ट, अगो, ये सब वर्ड आते हैं, आपको सिंपल पास्ट यूज करना है, ओके. व्हाट टाइम, अगेन देखिए यहाँ पे लास्ट आ रहा है, ओके. तो व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट, कल रात को तुम कितने बजे सोने को गए थे, ओके. यू एवर मीट करीना कपूर, ओके. सो हैव यू एवर मेट करीना कपूर, ये सेंटेंस हम ऑलरेडी, इस तरह का जो पैटर्न है ऑलरेडी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्कस कर चुके हैं. हैव यू एवर मेट करीना कपूर, ये जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट एक्शन, मीन्स ये फीलिंग नहीं दे रहा क्या मिले हो कि नहीं मिले हो, ठीक है, अभी तक भी तुम मिले हो या नहीं, ओके. सो हैव यू एवर मेट करीना कपूर, ओके. अब यहां पर देखिए वापस यस्टरडे आ रहा है, द वेदर वॉजंट वेरी गुड यस्टरडे. जब भी यस्टरडे आता है पास्ट टेंस पे आपको जाना है, सो द वेदर वॉजंट वेरी गुड यस्टरडे, ओके. माई हेयर इज वेट, आई हैव जस्ट वॉश्ड इट, ओके. जस्ट के साथ में आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होता है, ओके. माई हेयर इज वेट, मेरे बाल अभी गीले हैं, अभी अभी मैंने धोए हैं, ओके. कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है, दो बजे, तीन बजे, चार बजे, ऐसा कुछ टाइम नहीं दिया हुआ है, अभी अभी धोए हैं, तो इसके हिसाब से आई हैव जस्ट वॉश्ड इट, ओके. नाउ यहां पर देखिए इस यही सेंटेंस को दूसरी तरह से लिखा है, माई हेयर बिफोर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मतलब पास्ट का हो गया, ओके. जो बाल धोने का काम था वो खत्म हो चुका, उसका जो प्रोसेस था सब कुछ खत्म है. सो आई वॉश्ड माई हेयर बिफोर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ओके. यहां पर टाइम का एक इंक्लूजन आ गया है, इसका मतलब आपको पास्ट टेंस यूज करना है. फिनिश्ड एक्शन है, आई वॉश्ड माई हेयर बिफोर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. करीना ट्रेवल्स अलॉट, शी विजिट मैनी कंट्रीज. उसने बहुत सारी कंट्रीज देखी, लेकिन ये जो कंट्रीज को देखने का है, जो अलग अलग जगह घूमने का ये प्रोसेस है, वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है. वो फ्यूचर में और भी देखने ही वाली है, ओके. क्योंकि उसको ट्रैवलिंग का शौक है ना, बिकॉज करीना ट्रैवल्स अलॉट. तो ये क्या होगा यहाँ पर, करीना ट्रैवल्स अलॉट, शी हैज विजिटेड मेनी कंट्रीज. उसने बहुत सारे जो देश हैं वो देखे हैं, ठीक है. अगर ऐसा है कि अब उसने बंद कर दिया है, तो शी विजिटेड मेनी कंट्रीज आएगा, कि अब उसको और आगे कंट्रीज नहीं देखनी है, ठीक है. तो शी विजिटेड मेनी कंट्रीज होगा, लेकिन अभी भी उसका प्रोसेस चालू है. हो सकता है अगले साल वो स्पेन जाए, बेल्जियम जाए, कहीं भी जाए, ठीक है. तो शी हैज विजिटेड मेनी कंट्रीज. इज रवीना हियर, नो शी हैजंट कम येट, ओके. क्योंकि ये आने का जो एक्शन है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड एक्शन है, अभी तक भी वो आई नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो इज रवीना हियर, नो शी हैजंट कम येट. ये जब डिफरेंस आप समझेंगे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या होगा, जो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप अपियर कर रहे हैं, उसमें जब सेंटेंस करेक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं या एरर फाइंडिंग के प्रॉब्लम आते हैं, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, कि आपको लिखना था, आपको बता होना चाहिए वहां पे सिंपल पास्ट, लेकिन दिया हुआ है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा, कहाँ पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो आप इजिली एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. लेट्स ट्राई दिस वन. Put the verb in the present perfect or past simple. Have you ever been to Kashmir? दो example यहाँ पर दिए. Yes, we went there on holiday 2 years ago. जैसे ago आया, आपने simple past use किया, okay? और अभी तक आप गए हो क्या, अभी तक ये किया है क्या, तो उसके लिए आपने present perfect use किया है, okay? So have you ever been to Kashmir? क्या आप कभी कश्मीर गए हो? Yes, हम लोग 2 साल पहले वहाँ गए थे, okay? Now you have good time,
अब ये उस वक्त की बात है, जो भी आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो जो भी है वो खत्म हो चुका, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, बट द एक्शन इज द फीलिंग इज फिनिश्ड. ओके, सो डिड यू हैव अ गुड टाइम, क्या आपको अच्छा लगा वहां पे, आपको पसंद आया था? येस इट वॉज ग्रेट. ओके फाइन, देन वेयर इज अरुण, अरुण कहाँ पर है? हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसको देखा है? अब वापस यहाँ पे देखिए अगो आ रहा है, जैसे अगो आता है आपको क्या करना है, पास्ट यूज करना है. ओके, यस ही वेंट आउट अ फ्यू मिनट्स अगो, अभी अभी वो अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले वो बाहर चला गया. एंड जूलिया, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन हर. ओके, मैंने उसको नहीं देखा है, मुझे पता नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज रश्मि वर्क्स इन अ फैक्ट्री, शी देयर फॉर 6 मंथ्स बिफोर दैट. ओके, इसका मतलब वो अभी भी वहीं पे काम कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, अभी भी लिखा ही है वैसे, रश्मि वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करती है, वो वहां पर 6 महीनों से है, तो शी हैज बीन देयर फॉर 6 मंथ्स ऐसा आप लिख सकते हो, और शी हैज वर्कड देयर फॉर 6 मंथ्स ऐसा भी लिख सकते हो, और शी हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 6 मंथ, इसका मतलब पिछले 6 महीनों से वो वहां पे काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है, जो काम करना है वो खत्म नहीं हुआ है. ओके, बिफोर दैट शी वॉज अ वेटरेस, उसके पहले वो एक वेटर थी किसी भी रेस्टोरेंट में, वो जो था रेस्टोरेंट वाला काम वो उसका फिनिश हो चुका, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल पास्ट यूज करोगे. ठीक है, यहाँ पर एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया. ये एक्शन खत्म हो चुका है, जो उसका वेटर वाला जॉब था वो खत्म हो चुका है, इसलिए आपने अपने सिंपल पास्ट यूज किया. सो बिफोर दैट शी वॉज अ वेटरेस इन अ रेस्टोरेंट, शी वर्कड देयर फॉर 2 ईयर्स. ओके, उसने वहां पे 2 साल काम किया, वो जो काम करना था वो फिनिश्ड एक्शन है, इसलिए वापस सिंपल पास्ट होगा. शी नॉट एंजॉय इट वेरी मच, शी डिडंट एंजॉय इट वेरी मच, वो जो उसको नहीं पसंद की था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए आपने पास्ट टेंस यूज किया. ओके, सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज आ रहा है, क्योंकि ये अभी तक भी ये काम चालू है, इस फैक्ट्री में इसका काम चालू है, उसके सिवाय सब कंप्लीटेड एक्शन है, फिनिश्ड एक्शन है, इसलिए हमने सिंपल पास्ट यूज किया. ओके, डू यू नो अमन सिस्टर, क्या तुम अमन के सिस्टर को, बहन को जानते हो? आई हैव सीन हर अ फ्यू टाइम्स बट आई हैव नेवर स्पोकन टू हर. ओके, अभी तक भी ये भी एक्शन जो है, जो बात करने वाला है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी तक तो आपने बात की नहीं है. ठीक है, मतलब इस पल तक जब तक आप बात अभी बोल रहे हैं तब तक आपने बात की नहीं है, तो इसका मतलब ये अनफिनिश्ड एक्शन हुआ. ओके, सो आई हैव सीन हर फॉर अ फ्यू, आई हैव सीन हर अ फ्यू टाइम्स बट आई हैव नेवर स्पोकन टू हर. ओके, हैव यू एवर स्पोकन टू हर, क्या कभी तुमने उससे बात की है? यस आई मेट हर एट अ पार्टी लास्ट वीक, जैसे लास्ट आ जाता है आपको सिंपल पास्ट यूज करना है. यस आई मेट हर लास्ट वीक, शी इज वेरी नाइस. ओके, तो काफी सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली, जो हमें जहां पर हमें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे हमें सिंपल पास्ट यूज करना है और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है. आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपको ये कंफ्यूजन होता है और होगा, और जब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस, जो इन दोनों में के बीच में डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे, जहां पर आपको एरर फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, तो ये अभी ये एक्सरसाइज आप ये जो सेशन है दोबारा अच्छे से रिवाइज करिए, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में. बाय बाय.